हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रीमत। आप देख रहे हैं टेक मैनिक्स। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम लोग जानने का ट्राई करेंगे कि IIT रुड़की ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे हम स्मूथ ड्राइविंग कर सकते हैं फॉगी वेदर में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इसी चीज़ों के बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर लें, प्लीज़ वो जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जैसे कि आपको इस तरह की न्यूज़ आपको नोटिफिकेशन में आती रहे बार बार। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IIT रुड़की ने डेवलप किया एक एफिशिएंट आर्किटेक्चर एंड एल्गोरिदम सेटअप करके बनाया है, जिससे आप बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो भी लो विजिबिलिटी कंडीशन में। जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, अभी जो बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम के हिसाब से जो कि फॉरेस्ट एरिया इस एरिया में और जो कि नॉर्मल रोड्स पे भी बहुत ही फॉगी वेदर हो जाता है, तो उससे 100 ऑफ रोड एक्सीडेंट होते हैं खाली फॉगी वेदर की वजह से हर साल। तो उसको ये करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिससे आप एक फैसिलिट कर सकते हो स्मूथ ड्राइविंग और मिनिमाइज़ कर सकते हो एक्सीडेंट, वो भी फॉगी वेदर में। जो टीम ऑफ रिसर्चर्स है एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, IIT बहुत ही बड़ी चीज़ है, वहाँ के रिसर्चर लोगों ने एक डेवलप किया है एफिशिएंट एल्गोरिदम और आर्किटेक्चर को इनेबल करके, जिससे आप एक अच्छी ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले सकते हो और 100 ऑफ रोड एक्सीडेंट उससे सेव हो सकते हैं उस फॉगी वेदर के टाइम पे जो भी एक्सीडेंट होते हैं। जो रिसर्चर ने पब्लिश किया अपने एक जर्नल में IEEE करके, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ट्रांजिशन में और ऑन इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये चीज़ों में वो लोग ने ऐड किया और एक जर्नल उनको सबमिट किया। उस सबमिट पे अभी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या उसको अप्लाई करने लायक वो रही गई पता नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव था इस रिसर्च का वो एक सिंपल था कि जो कि रियल टाइम डिफॉगिंग सिस्टम रहता है, जो कि एक डिवाइस रहेगा, जो कि वो लोग बोल रहे हैं कि जो कि ऐड रहेगा जो फॉगी वेदर के टाइम पे, जो स्क्रीन पे जो ड्राइवर अगर चला रहा है उसमें वो इंस्टॉल करके देखेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसको वो आगे की जितने भी कार्स रहती है, जितने भी व्हीकल्स रहती है जिसपे वो ऐड करना चाहे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े बसेस हो गए जिनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है रात को चलाने में या फॉगी वेदर में, वो सब चीज़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उनने बताया जो कोलिजन ऑफ व्हीकल होता है ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी वो कम हो सकता है इससे, और न्यूमेरस फैसिबिलिटी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। फिर जो कि एडवांस डीफॉगिंग सिस्टम रहेगा वो ड्राइवर को इम्प्रूव कर सकता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे सकता है और मिनिमाइज़ कर सकता है रिस्क ऑफ रोड एंड ट्रेन का जो डिले होता है या एक्सीडेंट होता है ड्यू टू फॉग। तो IIT के रुड़की के जो डायरेक्टर हैं उनने ये बताया है, अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ये सब चीज़ बताया। तो अभी ये जनरल सबमिट हुआ है, पता नहीं अभी अपना इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसको अप्लाई करता है कि नहीं करता। अगर अप्लाई करेगा तो वो आगे के व्हीकल्स में क्या क्या हमको इफेक्ट दिखा सकता है उसके बारे में अभी बाद में मालूम पड़ेगा हम लोग को, जैसे वो जनरल अभी सबमिट हो गया फिलहाल में। बाकी एक्शन अभी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स ये सब चीज़ वो लोग डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।